जय माता दी। AKS में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रोसैक के जो सिंगल टावर स्पीकर आते हैं H15000 उसके बारे में। उससे पहले आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया और वर्ल्ड कप जीत के आइएगा सर। जीत पे अपना हक है, जीत पे अपना हक है, जीत पे अपना हक है, कोई शक है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोसैक के बारे में। ये प्रोडक्ट मुझे रिव्यू के लिए आया था काफी पहले, बट अनफॉर्चुनेटली काफी लेट हो गया, मैं वीडियोस नहीं बना रहा जिसके वजह से। तो सबसे पहले कंपनी को मैं सॉरी बोलना चाहूंगा और आप सभी लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा जो लोग अभी तक AKS से जुड़े हुए हैं। जो लोग वापस चले गए हैं वो लोग फिर से वापस आएंगे, मैं फिर से वीडियोज बनाऊंगा। यूट्यूब से दूर रहना इतना आसान नहीं है, ये एक पार्ट बन गया है मेरे लाइफ का यार, मतलब मैं दूर नहीं रह सकता इससे। वो कमेंट्स वो सब कुछ मिस कर रहा था मैं, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहा था, क्या रिप्लाई करूँ यार। जिसके वजह से अब रिप्लाईज भी आएंगे, कोई भी डाउट्स वगैरह तो कुछ भी वो तो पूछ लेना या कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो पैकेट के ऊपर लिख दिया गया है 25,000 वाट PMPO। तो सबसे पहले इसको हम लोग साइड में रखेंगे क्योंकि इसको कंसिडर नहीं करने वाले। 25,000 PMPO यार बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कंसिडर नहीं करने वाले हम लोग। और लुक देख सकते हो तो लुक काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले चलिए कुछ गाने बहते हो, देखते इसकी साउंड कैसी, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे तो अलैदा, सबसे जुदा है। दिल चेक साडा की कारोबार, चिट्टी कैंडी मेनू स्वीट डॉन, आ जावे मेरे वे तू बैक यार, चांदी वे पार्टी की टिक्के कबाब। तो जैसा कि आप उसकी साउंड सुनिए, सबसे पहले बात करूँ कि लाउडनेस कैसी है। तो लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा लाउड है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है सिस्टम। अगर आपका रूम बड़ा है, हॉल है, तो भी लाउडनेस को लेकर दिक्कत नहीं होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाउड मिल रही है सिस्टम। बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप जब भी इसको 100% वॉल्यूम पर बजाते हो तो डिस्टॉर्शन मिलती है, और 70-75% वॉल्यूम पे जब बजा रहे तो डिस्टॉर्शन का एहसास नहीं हो रहा है। तो 75% वॉल्यूम पे अच्छी बज रही है, बट ये है कि 75% जब वॉल्यूम करते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि लाउडनेस कम हो जाती है, लाउडनेस फिर भी रहती है यार। अगर ज़्यादा जोर भी सुनना चाहते हो तो भी ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लाउड है, दिक्कत नहीं होगी आपको। और बात रही बेस क्वालिटी की, तो बेस इफेक्ट जो है यार, बेस इफेक्ट थम्पिंग है ओके, बट जो बेस इफेक्ट का साउंड मिलता है ना, जो साउंड इफेक्ट मिलती है बेस वाली, वो हल्की सी दबी हुई है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वोकल्स काफ़ी लाउड है, जो आवाज़ आ रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, जिसके वजह से जो बेस इफेक्ट है वो उतनी समझ में आ नहीं रही है। और बेस है बट बेस इफेक्ट की जो साउंड है वो कम है इसमें, तो वो जो बेस इफेक्ट वाली आवाज़ होती है ना, तो वो सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है। बट यहाँ भी क्या होता है, जो लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वो दब जाती है इस तरह करके। तो सिस्टम ठीक है, क्लैरिटी के मामले में देखें तो 75% वॉल्यूम पर मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी, साउंड अच्छी समझ में आ रही थी। वोकल्स थोड़े से ज़्यादा लाउड है, बस यही दिक्कत है। तो ठीक है, ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। और साथ में आपको नीचे की तरफ देखते हो तो नीचे की तरफ आपको डीजे लाइट्स मिल जाते हैं, जो कि अगर अंधेरे में लाइट जलाओगे ना तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट पैदा करते हैं, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अच्छा लगता है देख के यार कि लाइट जल रही है, स्पीकर्स बज रहे हैं, आवाज़ आ रही है, तो अच्छा लगता है ये सब। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो तो वॉल्यूम का नॉब दिया हुआ है, साथ में आपको बेस कंट्रोल का नॉब भी मिल जाता है। यहाँ पे ब्लूटूथ सपोर्ट है, ब्लूटूथ 2.0 सपोर्ट करता है। साथ में आपको यहाँ पे मिलता है डिस्प्ले, साथ में कुछ बटन्स मिलते हैं और USB का स्लॉट दिया गया है। ये लाइट को आप ऑफ भी कर सकते हो, पीछे की तरफ आपको स्विच दिया गया है, वहाँ से आप जाके ऑफ भी कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट 35 रुपये इसके आसपास मिलते हैं अमेजोन पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो अगर आपको खरीदना है तो। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा से कमेंट कर दो कुछ भी। बात रही रिमोट की, तो रिमोट में आप देख सकते हो कुछ है नहीं, बस वही पावर का बटन है, मोड है और म्यूट है, इक्वलाइजर है, स्कैन रिपीट और कुछ नंबर दिए गए, नेक्स्ट प्रीवियस प्ले पॉज वॉल्यूम अप एंड डाउन, यही सब है फंक्शन रिमोट में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।